दोस्तों वेट लॉस के लिए आज मैं आपको ऐसी रेसिपी बताऊंगा, फिर कभी आपको हर्बल प्रोडक्ट खाने की जरूरत नहीं पड़ेगी, ना ही आपको ज़्यादा एक्सरसाइज करने की जरूरत है एंड ना ही आपको बहुत ज़्यादा डाइट करने की जरूरत है। इस रेसिपी को आप ध्यान से देखिएगा। इस वीडियो को देखने के बाद आपको ऐसा महसूस होगा कि आपको एक मिरेकल होम रेमेडी मैंने प्रोवाइड कर दी है। इसमें सारे नेचुरल इन्ग्रीडियंट हम यूज़ करेंगे, जिसमें पहले नंबर पे हम यूज़ करेंगे सौंफ। जो सौंफ होती है नेचुरली मेटाबॉलिज्म को फास्ट करती है, डाइजेस्टिव सिस्टम को फास्ट करने में, फैट को मेटाबॉलाइज करने में भी हेल्प करती है। सेकंड जो इंग्रेडिएंट इसमें यूज़ करेंगे अजवाइन। जो अजवाइन होती है डाइजेस्टिव सिस्टम को हेल्प करती है अच्छे से वर्क करने के लिए। साथ में जो ब्लोटिंग होती है, जो फुलावट हो जाती है खास करके औरतों में, फेस मोटा हो गया, थाई मोटे हो गया, जो फुलावट होती है पेट पे, उसको कम करने में हेल्प करती है। अगर आपका डाइजेस्टिव सिस्टम अच्छे से काम करेगा, आपकी जो गंदगी होती है पेट में से निकलेगी, बॉडी डिटॉक्सीफाई करेगी एंड जो फैट की अब्जॉर्प्शन बॉडी से कम करती है, फैट स्टोर नहीं होती है, सारी बॉडी अच्छे से काम करने के बाद आपका जो मोटापा है वो कम होना शुरू हो जाता है। नेक्स्ट जो इसमें हम यूज़ करेंगे वो है जीरा। जीरा क्या करता है, जीरा जो एक्सेस वाटर होता है बॉडी में, जो वाटर को होल्ड कर देती है, वो भी बॉडी की एक तरह फ्लावट होती है, मून फेस हो जाता है, उस वाटर को एक्सेस तौर पे जो होता है उसको रिमूव करने में हेल्प करता है। साथ में डाइजेस्टिव हेल्थ के लिए भी बहुत ही बेनिफिशियल होता है जीरा, तो जीरा भी इस रेसिपी में हम यूज़ करेंगे। नेक्स्ट जो चीज़ इसमें यूज़ करेंगे मेथी। मेथी दाना भी हेल्थ के लिए बहुत ही बेनिफिशियल होता है, शुगर को कंट्रोल करने में हेल्प करता है, फैट को मेटाबॉलाइज करने में हेल्प करता है, जो बॉडी की फ्लावट होती है उसको कम करने में हेल्प करता है। आप सारी दिन में पूरी एक्टिव रहती है आपकी बॉडी, आप अच्छे से अपना कामकार करवाते हैं। जो ये चारों इन्ग्रीडियंट होती है जिसमें हमने सौंफ हो गई, जीरा हो गई, मेथी हो गई एंड जो आपका अजवाइन होती है, इनका एक मिश्रण तैयार करना है। एंड मिश्रण आपने कैसे तैयार करना है, आपने 25-25 ग्राम जो चारों चीज़ें ले लेनी है एंड इनको आपने अच्छे से तवे में या फिर फ्राई पैन में थोड़ा सा आपने रोस्ट करना है, ताकि इसकी जो वेटनेस होगी वो थोड़ी ड्राई हो जाएगी। तो अच्छे से इसको रोस्ट करने के बाद आपने इसको ठंडा करने के लिए 5-7 मिनट के लिए रख देना है। तो उसके बाद आपने जो ग्राइंडर होता है, जो मिक्सचर होता है, मिक्सी होती है, उसमें जो चारों चीज़ों का जो मिश्रण है आपने ऐसे डाल देना है। तो उसको 3-4 मिनट के लिए एक पाउडर फॉर्म का रूप दे देना है। तो बाद में आपने थोड़े टाइम के लिए 5-7 मिनट के लिए खुली डब्बी में ऐसे रख देना है, ताकि इसका जो मॉइस्चर होगा वो उड़ जाएगा। तो बाद में आपने एक ढक्कन लगा के डब्बी में ऐसे रख देना है। तो आप टेस्ट के अकॉर्डिंग इसमें जो काला नमक होता है, जिसे पिंक साल्ट कहते हैं, वो भी 2-3 चुटकियां डाल सकते हैं। तो ये आपकी जो वेट लॉस के लिए, फैट लॉस के लिए रेसिपी है, एक तरह की जो होम रेमेडी है वो रेडी हो गई है। तो इसको आपने यूज़ करना है हर रोज़। तो यूज़ कैसे करना है, आपने आधा चम्मच एम्प्टी स्टमक सुबह कुछ भी बिना खाए पिए के, जब भी आप जागते हैं फ्रेश होने के बाद, एक गिलास पानी में उसको आपने घोल कर पी लेना है खाली पेट। तो उसके कम से कम 1 घंटा बाद में कुछ नहीं खाना है, बाद में आप खा सकते हैं। ऐसे ही आधा चम्मच आपने रात को खाना खाने से आधा घंटा पहला खा लेना है। तो सेम मतलब के रूटीन आपने मॉर्निंग की एंड इवनिंग की सेम ही रखनी है, आधा आधा चम्मच दोनों टाइम में खा लेना है। आप एक मंथ में ऐसे ही यूज़ करोगे तो आप पाओगे, आप बिना किसी एक्सरसाइज किए हुए, बिना किसी हर्बल प्रोडक्ट को यूज़ किए हुए, तो आपका 10 kg तक भी वेट रिड्यूस हो सकता है। बहुत ही अच्छी रेसिपी है ये। तो ये जो वीडियो है नेचुरल, जो साइंटिफिक तरीके होते हैं, आयुर्वेदिक तरीके होते हैं, उसके अकॉर्डिंग आपको मैंने बताई है। तो ये वाली रेसिपी आप जरूर फॉलो करना। अगर आपने पहले ये चीज़ें यूज़ की है तो आप कमेंट बॉक्स में कमेंट जरूर करना। अगर आपकी कोई वेट लॉस के रिगार्डिंग, फिटनेस का इंक्वायरी है, तो कमेंट बॉक्स में कमेंट कर देना एंड मेरा जो चैनल है उसको भी सब्सक्राइब कर देना। थैंक्स फॉर वॉचिंग।